हाय, मैटलैब केस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि मैटलैब में कितने प्रकार की विंडोज पाई जाती हैं। जैसे ही आप अपना मैटलैब ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आपको लिखा रहेगा कि आप किस वर्जन का मैटलैब यूज कर रहे हैं। उसके नीचे आपको तीन टैब्स मिलेंगे, होम, प्लॉट्स और एप्स। यह तीनों टैब किस काम में आती है हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं कि कौन सी विंडोज अवेलेबल है मैटलैब में। तो यहाँ देखिए आप, करंट फोल्डर, ये करंट फोल्डर नाम की विंडो आपको मिलेगी। फिर दूसरी विंडो मिलती है आपको कमांड विंडो। फिर यहां से आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको वर्क स्पेस नाम की विंडो मिलेगी। तो बाय डिफॉल्ट ये तीन विंडोज मैटलैब में आपको मिलती है। यह तीनों विंडो का क्या काम है हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जैसे ही आप अगर मैटलैब ओपन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिलता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस प्रकार का इंटरफेस नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पे करंट फोल्डर, यहाँ पे कमांड विंडो और यहाँ पे वर्क स्पेस शो नहीं होता है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको होम टैब पे क्लिक करना होगा, यहाँ लेआउट पे जाना होगा और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा है। जैसे ही आप डिफॉल्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का लेआउट मिल जाता है। अगर आपको लेआउट चेंज करना है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ दो कॉलम पे ही काम करना है, तो आप यहाँ से टू कॉलम कर सकते हैं। तो आपका वर्क स्पेस यहाँ नीचे शो होने लगेगा, कमांड विंडो आपका यहीं पे शो होने लगेगा। इस प्रकार से आप लेआउट पे जाके अपने तरीके से आपकी सहूलियत के अनुसार लेआउट को सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिफॉल्ट लेआउट का इस्तेमाल करने वाले हैं। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे कि कमांड विंडो का क्या काम होता है। जैसे ही आप मैटलैब ओपन करेंगे आपको यहाँ मैटलैब लिखा हुआ मिलेगा, इसके बाद यहाँ करंट फोल्डर, उसके बाद यहाँ पे कमांड विंडो। तो जैसे ही आप कमांड विंडो में आएंगे आपको ये दो साइन मिलेंगे। इसका मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। इसको कहा जाता है मैटलैब कमांड प्रॉम्प्ट। जैसा कि नाम बता रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट मतलब आप यहाँ पे अपनी कमांड चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे करना है एडिशन 1 + 2, तो 1 + 2 मैंने लिखा और एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मुझे आंसर क्या आया, 3। अब आप देखिए, वर्क स्पेस पे क्लिक करिए। यहाँ वर्क स्पेस आपको जितने भी वेरिएबल क्रिएट हुए हैं वह बताता है। जैसे अभी हमने 1 + 2 किया तो हमारा आंसर 3 आया। 3 जो था आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। ये देखिए, आंसर इज इक्वल टू 3। एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे 1 + 2 यह लिखने के बाद सेमी कॉलन लगा देता हूं तो यहां मुझे आंसर शो नहीं होगा। ये देखिए, मैंने 1 + 2 लिखा, सेमी कॉलन लगाया और एंटर किया तो मुझे आंसर इज इक्वल टू 3 नहीं मिला। इसका मतलब ये जो हमारा सेमी कॉलन है यह आउटपुट को सप्रेस कर देता है कमांड विंडो में डिस्प्ले होने से। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम दो काफी इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमांड विंडो को एज अ सिंपल कैलकुलेटर आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के सामने क्लिक करिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐड करना है 5 + 6, तो मैं लिखूंगा 5 + 6। यह लिखने के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे उसका आंसर मिल जाएगा, विच इज 11। अगर मुझे डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल 85 / 26 करना है, तो कुछ इस प्रकार से मैं लिखूंगा 85 / 26 और एंटर प्रेस करने पे मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई 14 एंड 9,
रिजल्ट इज 126। तो जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा आंसर नाम के वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट स्टोर होता है। ये जानकारी आप वर्क स्पेस में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका नेम के नीचे लिख के आया आंसर और उसकी वैल्यू क्या लिख के आई है 126। कई बार कमांड विंडो इस्तेमाल करते करते हमारी कमांड विंडो पूरी तरीके से भर जाती है, फिल हो जाती है। इसको क्लियर करने के लिए जो हमारी एक कमांड है वो आप सीखिए। उस कमांड का नाम है CLC। आप कमांड विंडो में CLC लिखिए, लिखने के बाद एंटर प्रेस करिए तो देखते हैं आप कि कमांड विंडो क्लियर हो जाती है। इसी प्रकार वर्क स्पेस को क्लियर करने के लिए आपकी जो कमांड है वो है क्लियर स्पेस ऑल। देखिए क्लियर स्पेस ऑल लिखने के बाद जैसे ही हमने एंटर दबाया हमारा आंसर नाम का वेरिएबल भी क्लियर हो गया। तो याद रखिए कमांड विंडो क्लियर करने के लिए यूज होती है CLC और वर्क स्पेस क्लियर करने के लिए यूज होती है कमांड क्लियर ऑल। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल का इस्तेमाल मैटलैब में किस प्रकार से किया जाता है। वेरिएबल वेरिएबल एक नाम होता है जो एक वैल्यू को स्टोर करके रखता है। उस वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसे वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल शब्द में वेरी आता है जिसका मतलब होता है जो चेंज हो सके। तो वेरिएबल का नाम वही रख सकते हैं और उसकी वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। देखिए इसको क्रिएट कैसे किया जाता है मैटलैब में। एक वेरिएबल का नाम सोच लीजिए। हमने सोचा VAR, यह नाम हो गया। उसको असाइन करना है एक वैल्यू, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू सिंबल। तो VAR इज इक्वल टू 8। जैसे ही हम ये लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप वर्क स्पेस में देख सकते हैं एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसकी वैल्यू 8 हमने स्टोर करवाई है। इस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, VAR इज इक्वल टू 9 भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्क स्पेस में आपकी वैल्यू चेंज हो चुकी, VAR इज इक्वल टू 58 भी आप कर सकते हैं। तो आप देखिए 58 वैल्यू अब हो गई है वेरिएबल की। इसका मतलब वेरिएबल एक नाम होता है जिसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। आगे ट्यूटोरियल्स में हम इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि मैटलैब में वेरिएबल का नाम किस प्रकार से रखा जाता है। तीन बातों का हमें ध्यान रखना है, एक एक करके हम तीनों बातों को देखेंगे। एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने VAR इज इक्वल टू 8। एक और वेरिएबल हमने क्रिएट किया जिसमें V को हमने कैपिटल लिखा, VAR इज इक्वल टू 8। जैसे ही हमने एंटर किया तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, आप वर्क स्पेस में देख सकते हैं। तो पहली बात, वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है। दूसरी बात, हम वेरिएबल के नाम में किसी भी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने वेरिएबल 1 VAR 1 इज इक्वल टू 9 रखा, तो देखिए ये वैलिड है। यहाँ पे क्रिएट हो चुका है एक वेरिएबल जिसका नाम है VAR1। दूसरी बात, वेरिएबल के नाम में आप नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात, वेरिएबल के नाम में आप अंडर स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई VAR इज इक्वल टू 97। तो देखिए ये भी हमारा वैलिड है। तो याद रखिए तीन पॉइंट्स वेरिएबल के नाम के रिगार्डिंग। पहला, वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है। दूसरा, वेरिएबल में आप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके नाम में। तीसरा, वेरिएबल के नाम में आप अंडर स्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि फॉर्मेट कमांड का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। कभी भी हम अपने मैटलैब में कोई एक्सप्रेशन रन कराते हैं, कोई एक कंप्यूटेशन करते हैं, तो उसका एक रिजल्ट आता है। अब उस रिजल्ट में एक डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए यह आप डिसाइड कर सकते हैं फॉर्मेट कमांड के थ्रू। एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एक्सप्रेशन लीजिए 8
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई। जैसे ही आपने रन कराया, अब देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 नंबर तक की हमको एक्यूरेसी मिल रही है। अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप लिखिए फॉर्मेट लॉन्ग। फॉर्मेट लॉन्ग लिखने के बाद दोबारा अपना एक्सप्रेशन रन कराइए, आपको देखिए डेसिमल के बाद इतने नंबर्स तक की एक्यूरेसी मिल रही है। अगर आपको कम नंबर की एक्यूरेसी चाहिए तो आप लिख सकते हैं फॉर्मेट बैंक, फिर एक्सप्रेशन रन कराइए। अब देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर तक की एक्यूरेसी आपको मिल रही है। अगर आपको 2 की नहीं, आपको 4 की एक्यूरेसी चाहिए तो आपको लिखना होगा फॉर्मेट शॉर्ट, फिर दोबारा अपना एक्सप्रेशन रन कराइए। अब देखिए आपको डेसिमल के बाद 4 नंबर तक की एक्यूरेसी मिलती है। तो फॉर्मेट कमांड जो होती है मैटलैब की, वो हमारे कंप्यूटेशन के रिजल्ट की एक्यूरेसी डिसाइड करती है। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि वेक्टर क्या होता है और वह कितने प्रकार का होता है। तो वेक्टर एक ग्रुप होता है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स का। देखते हैं, एक वेरिएबल हमने लिया ए इज इक्वल टू, इसको क्रिएट कैसे किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप वो एलिमेंट के ग्रुप को लिखिए। जैसे मैं चाहता हूं कि यह ग्रुप हमारा 1 से लेके 7 तक का नंबर हो, तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 5 6 7। यह लिखने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपको एक रो दिख रही है। इसका मतलब हमने रो वेक्टर क्रिएट किया। अगर हम रो वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं तो हम कॉलम वेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए, वेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। यहाँ वर्क स्पेस में देखिए आपको नेम वैल्यू और साइज दिख रहा होगा। अगर आपके में साइज नहीं आ रहा है तो आप राइट क्लिक करिए ब्लैंक स्पेस में, यहाँ पे चूज कॉलम करिए और साइज पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको साइज भी दिखने लगेगा। यहाँ पे अभी हमने एक ए वेक्टर क्रिएट किया है, तो देखिए यहाँ पे साइज के नीचे लिख के आ रहा है 1 क्रॉस 7। यहाँ 1 जो पहला नंबर है ये दर्शाता है रो, और दूसरा नंबर दर्शाता है कॉलम। इसका मतलब इस वेक्टर में हमारी एक रो है और 7 कॉलम है, जो कि इसमें एक ही रो है, इसलिए हम इसको कहेंगे रो वेक्टर। तो आपने देखा अभी रो वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। रो वेक्टर को क्रिएट करने का ऑल्टरनेटिव तरीका भी है। हमने एक दूसरा वेक्टर लिया बी इज इक्वल टू, अब इसमें हम दूसरी वैल्यू रखेंगे 5, 6, 7, 8, एंटर। तो देखिए हमारा एक बी वेक्टर क्रिएट हुआ है और इसका साइज है 1 क्रॉस 4, क्योंकि इसमें 4 कॉलम है और एक रो है। तो आप रो वेक्टर कॉमा के साथ और बिना कॉमा के क्रिएट कर सकते हैं। कॉलम वेक्टर क्रिएट करने के लिए आपको सेमी कॉलन का यूज करना पड़ेगा। देखें कैसे, अब हम कॉलम वेक्टर क्रिएट करते हैं। सी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी एलिमेंट आपको रखना है, 4 सेमी कॉलन 5 सेमी कॉलन 6 सेमी कॉलन 7 सेमी कॉलन 8। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपको एक कॉलम मिला है। जो कि आपको कॉलम मिला इसलिए आप इसे कहेंगे कॉलम वेक्टर। सी का आप साइज देखिए 5 क्रॉस 1, इसका मतलब इसमें 5 रोज हैं। पहली रो ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और इसमें एक कॉलम है, तो ये आपका कॉलम। तो हमने देखा कि वेक्टर्स 2 प्रकार के होते हैं, रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स। रो वेक्टर में एक ही रो होती है और कॉलम वेक्टर्स में एक ही कॉलम होता है। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि लीनियरली स्पेस्ड वेक्टर्स क्या होते हैं और उसे मैटलैब में किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। लीनियरली स्पेस्ड वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस बराबर रहता है, इसीलिए इसे लीनियरली स्पेस्ड वेक्टर्स कहा जाता है।
लीनियरली स्पेस वेक्टर्स मैटलैब में क्रिएट करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है लिन स्पेस। तो हम इस प्रकार से लिखते हैं लिन स्पेस। फिर आपको बताना होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ 1 और एंडिंग पॉइंट लेता हूँ 10। तो ये कमांड क्या करेगी, 1 से लेकर 10 तक के बीच टोटल 100 एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट करेगी और हर एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। देखिए हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए। तो किन्हीं भी दो एलिमेंट को ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको डिफरेंस बराबर मिलेगा। और ये आप देखिए टोटल 100 एलिमेंट्स क्रिएट किया है मैटलैब ने। तो लिन स्पेस 1,10 कमांड क्या कर रही है, 1 से लेकर 10 तक के बीच टोटल 100 एलिमेंट्स को क्रिएट कर रही है और उन 100 एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। अगर आप चाहते हैं कि 100 नहीं, आप सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको लिखना होगा लिन स्पेस 1,10,5। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखेंगे 1 से लेकर 10 तक हमारे एलिमेंट्स क्रिएट हुए हैं और किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस बराबर है। तो मैटलैब में लिन स्पेस को इस्तेमाल करने का दो तरीका हमने देखा। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि मैटलैब में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज को किस प्रकार से लिखा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज 3 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी नॉर्मल, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा। दूसरी हमारी होती है इनवर्स, जैसे कि साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा। और तीसरी हमारी होती है हाइपरबोलिक, जैसे कि साइन एच ऑफ थीटा और कॉस एच ऑफ थीटा। मैटलैब में इसको लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे हम साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे साइन, ब्रैकेट में जो भी वैल्यू देंगे हम वो मैटलैब रेडियंस में लेता है। फॉर एग्जांपल साइन पाई हमने लिखा तो हमें लिखना होगा साइन पाई, देन एंटर। कॉस पाई लिखने के लिए आपको लिखना होगा कॉस पाई, देन एंटर। इसी प्रकार से टेन के लिए आपको लिखना होगा TAN, देन ब्रैकेट में आपको वैल्यू देनी होगी। कॉट के लिए आपको लिखना होगा COT, देन ब्रैकेट में आपको वैल्यू देनी होगी। सेक के लिए आपको लिखना होगा SEC, देन ब्रैकेट में वैल्यू देनी होगी। और कोसेक के लिए याद रखिए CST लिखना होगा। तो ये हमने देखा नॉर्मल क्वांटिटीज कैसे लिखते हैं। अब अगर आपको इनवर्स क्वांटिटी लिखनी है, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स थीटा, तो आपको लिखना होगा A sin, मतलब साइन के आगे A लगा दिया हमने तो वो उसके इनवर्स को कैलकुलेट करेगा। इसी प्रकार कॉस के सामने A लगा के अगर हमने लिखा तो वो कॉस इनवर्स थीटा निकालेगा। अगर आपको हाइपरबोलिक निकालना है, फॉर एग्जांपल साइन एच ऑफ थीटा, तो आपको लिखना होगा साइन एच। तो हमने देखा तीनों प्रकार की क्वांटिटीज मैटलैब में किस प्रकार से क्रिएट होती है। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि मैटलैब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कैसे डील करता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट। आइए हम क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल जो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर किया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे a = 2, जो कि रियल पार्ट हुआ, +3, जो कि इमेजिनरी पार्ट हुआ। इमेजिनरी पार्ट लिखने के लिए हम मैटलैब में आई या जे दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने लिखा a = 2 + 3i। तो देखिए हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसकी वैल्यू हो गई 2 + 3i। 2 हमारा रियल पार्ट हुआ, 3 हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। इसी प्रकार से हम दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि 6 + 4i। अब इसमें हम दोनों नंबर को ऐड भी करा सकते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी करा सकते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा, सिंपल a + b। जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया तो देखिए हमारा रियल पार्ट आया 8 और इमेजिनरी पार्ट आया 7। यह 8 हमारा आया है a और b के रियल पार्ट को जोड़ने से, और ये 7 हमारा आया है a और b के इमेजिनरी पार्ट को जोड़ने से। इस प्रकार से मैटलैब में आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर सकते हैं और उनका कंप्यूटेशन कर सकते हैं। हाय,
हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ स्पेशल मैथमेटिकल क्वांटिटीज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि उसे मैटलैब में किस प्रकार लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमें किसी नंबर का एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल ई टू द पावर 2, तो हम लिखेंगे मैटलैब में ई एक्स पी ब्रैकेट के अंदर 2। अब किसी नंबर का आपको नेचुरल लॉग लेना है तो आपको लिखना होगा एल ओ जी ब्रैकेट के अंदर वह नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेना चाहता हूँ 10 का नेचुरल लॉग, तो लिखूंगा एल ओ जी ब्रैकेट के अंदर 10। इस प्रकार से आपको अगर लॉग बेस 10 कैलकुलेट करना है किसी नंबर का, तो आपको लिखना होगा एल ओ जी 10। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 का लॉग बेस 10 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा लॉग 10 ब्रैकेट के अंदर लॉग 10। इस प्रकार से अगर मैं 20 का कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा लॉग 10 ब्रैकेट के अंदर 20। इस प्रकार से अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, तो आपको मैटलैब में लिखना होगा एस क्यू आर टी ब्रैकेट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 4, देखिए आंसर 2 आया। इस प्रकार से हमने कुछ स्पेशल मैथमेटिकल क्वांटिटीज के बारे में जानकारी हासिल की। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि वेक्टर को और कितने प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखें, अगर आपको एक वेक्टर क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, हम चाहते हैं 1 से लेके 7 तक, तो हम इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस 7। और जैसे ही हम एंटर करेंगे, देखेंगे कि एक ए वेक्टर बन चुका है जिसके एलिमेंट्स 1 से लेके 7 तक है। अब अज्यूम करिए आपको 1 से लेके 100 तक का वेक्टर क्रिएट करना है, तो क्या ये मेथड सही है? बिल्कुल नहीं। इसलिए एक शॉर्टकट तरीका है मैटलैब में वेक्टर क्रिएट करने का, वो है ए इज इक्वल टू, आप सीधे लिखिए 1:7। जैसे ही आप ये लिखेंगे, तो मैटलैब क्या करेगा, आपका एक ए वेक्टर क्रिएट करेगा जिसमें एलिमेंट 1 से लेके 7 तक जाएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस 1 रहेगा। इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस 1 ना हो के आप जो दें वो हो, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा 1:, आपको लिखना होगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, मैं चाहता हूं 0.5 का डिस्टेंस हो हर एलिमेंट के बीच, तो मैं लिखूंगा 1:0.5:7। और हम एंटर करेंगे, तो देखिए 1 से लेके 7 तक हमारे एलिमेंट क्रिएट हुए हैं और किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस 0.5 है। तो ये दो तरीका हमने देखा वेक्टर्स को क्रिएट करने का। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मैटलैब में मैट्रिक्स किस प्रकार क्रिएट किया जाता है। एक मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा रोज और कॉलम्स हो सकते हैं, तो मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होता है एक वेरिएबल ए इज इक्वल टू पहली रो के एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पहली रो के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, तो हम लिखेंगे 1:2:3, ये हमारी पहली रो हो गई। दूसरी रो पे आने के लिए आपको सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना रहता है, फिर सेकंड रो के एलिमेंट लिखना रहता है। फॉर एग्जांपल, हमारे सेकंड रो के एलिमेंट हैं 4, 5, 6, तो हम लिखेंगे 4:5:6। फिर थर्ड रो पे आने के लिए आपको सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना होगा और थर्ड रो के एलिमेंट लिखने होंगे। हमारे केस में हम ले रहे हैं थर्ड रो के एलिमेंट 7, 8, 9, तो हम लिखेंगे 7:8:9। ये लिखने के बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए हमारा एक 3x3 का मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है, जिसमें हमारा पहली रो है 1, 2, 3, सेकंड रो है 4, 5, 6, थर्ड रो है 7, 8, 9। तो याद रखिए, रोज चेंज करने के लिए आपको सेमी कॉलम का इस्तेमाल करना रहता है। हाय, मैटलैब के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही दो इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहला है मैजिक मैट्रिक्स। इसको क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होता है कोई भी एक वेरिएबल इक्वल्स टू मैजिक
और ब्रैकेट में एक नंबर, फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट करेगा जिसका ऑर्डर 3x3 रहेगा। देखिए अब इसमें मैजिक क्या है वो देखते हैं। रोज को टोटल करिए, 8+1+6 हमारा आया 15, इसको टोटल करिए 3+5+7 15, 4+9+2 15, तो हर रो का सम 15 आ रहा है। इसी प्रकार हम 8+3+4 करेंगे तो 15 आएगा, 1+5+9 करेंगे तो 15 आएगा, 6+7+2 करेंगे तो 15 आएगा, मतलब हर कॉलम के एलिमेंट्स का सम 15 है, हर रो के एलिमेंट का सम 15 है, हर कॉलम के एलिमेंट का सम 15 है। और डायगोनल्स भी चेक करते हैं, 8+5+2 15, 6+5+4 15, इसलिए इसे मैजिक मैट्रिक्स कहा जाता है। दूसरा एक मैट्रिक्स जो आज हम देखेंगे वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में जो एलिमेंट्स रहते हैं उनकी वैल्यू 1 होती है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ता है और इक्वल टू i लिखना पड़ता है उसके अंदर उसका ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हमने 3 लिखा, तो i3 हमारा क्रिएट करेगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे। तो आज हमने देखा मैजिक और i मैट्रिक्स के बारे में। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम आज वेक्टर इंडेक्सिंग के बारे में जानेंगे। आइए एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट्स लिखिए, हम लिखते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये हमारा वेक्टर हो चुका है। इंडेक्सिंग का मतलब याद रखिए, मैटलैब में जो पहला एलिमेंट रहेगा उसका नंबर 1 रहेगा, दूसरा का 2, थर्ड का 3, तो इसमें 1 से स्टार्ट होता है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो इसमें पहला नंबर हम कहेंगे हमारा 12 है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, ए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, जैसे आपको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो लिखना होगा ए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1। तो देखिए पहला एलिमेंट हमारा 1 था। अब हमें अगर फिफ्थ एलिमेंट को देखने के, फिफ्थ एलिमेंट इस वेक्टर में क्या है, तो आपको लिखना होगा ए ब्रैकेट के अंदर 5। इस प्रकार से आप इंडिविजुअल एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को। अगर आपको एक बार में एक से ज़्यादा एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसको लिखने का यह तरीका है, वेक्टर लिखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट आपको एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड को एक्सेस करना, तो मैं इसके अंदर लिखूंगा 1 space 2 space 3 एंटर। ये देखिए पहला दूसरा और तीसरा हमारा एलिमेंट जो थे 12 13 14, हमने उसको एक्सेस कर लिया। वेक्टर इंडेक्सिंग में हम एक रेंज को भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि सेकेंड एलिमेंट से लेकर फिफ्थ एलिमेंट तक की रेंज मुझे मिल जाए, तो उसके लिए मुझे लिखना होगा ए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2:5। इसका मतलब यह हुआ कि 2 से लेकर 5 तक के जो भी नंबर्स हैं वो मुझे चाहिए। ये देखिए 2 से लेकर 5 तक हमारे 13, 14, 15 और 16 थे। वेक्टर इंडेक्सिंग में आप एंड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि फोर्थ एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट को मैं एक्सेस करूं, तो मैं यहां लिखूंगा 4:end। तो देखिए फोर्थ एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक हमने एक्सेस कर लिया। अगर आप ऑड नंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, 1 से लेके लास्ट तक हमको चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस 2 होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमने ऑड एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। हाय,
मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम मैट्रिक्स इंडेक्सिंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैट्रिक्स इंडेक्सिंग समझने से पहले आपको समझना होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम का क्या मतलब होता है। तो ये सामने हमारे एक 4x4 का मैट्रिक्स है। इसमें जो हमारा पहला 16, 2, 3, 13 की लाइन जो आपको दिख रही है, ये हमारी पहली रो कहलाती है। इसी प्रकार ये हमारी सेकेंड रो कहलाएगी, 5, 11, 10 और 8। 9, 7, 6, 12 हमारी थर्ड रो कहलाएगी और 4, 14, 15, 1 हमारी फोर्थ रो कहलाएगी। इसी प्रकार इस मैट्रिक्स में चार कॉलम है। पहला कॉलम हमारा ये हो गया, दूसरा कॉलम हमारा ये हो गया, तीसरा कॉलम हमारा ये हो गया और चौथा कॉलम हमारा ये हो गया। अब याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो यह एक पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर कॉलम में आ रहा है। तो देखिए यह हमारा थर्ड रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लिख सकते हैं कि हमें वो एलिमेंट चाहिए जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आए। इसी प्रकार अगर हमें 11 को एक्सेस करना है तो हमें उसकी रो और कॉलम को मैटलैब में बताना होता है। तो यहाँ पे 11 की रो है सेकंड, कॉलम भी सेकंड। इसी प्रकार अगर मैं 12 को देखूँ, 12 है हमारा थर्ड रो में और फोर्थ कॉलम में। इस जानकारी से हम अब मैटलैब इंडेक्सिंग को पढ़ना चालू कर सकते हैं। मैट्रिक्स इंडेक्सिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा। सिंपल तरीके से हम मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। एक ए इज इक्वल टू मैजिक मैट्रिक्स हम क्रिएट करते हैं, ए इज इक्वल टू 4x4 का। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, हमारा 4x4 का एक मैजिक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। इसमें चार रो हैं और चार कॉलम। सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल को एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको उसकी रो और कॉलम बतानी होती है। तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए अगर हमें सेकंड रो और फोर्थ कॉलम पे जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है तो आपको लिखना होगा सेकंड रो कॉमा फोर्थ कॉलम। हमारा आंसर आया है 8। चेक करते हैं, सेकंड रो ये हो गई हमारी और फोर्थ कॉलम ये हो गया। तो हम देख सकते हैं हमारा 8 नंबर का एलिमेंट उस जगह पर है। मैटलैब में हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर के सब मैट्रिक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना होता है कि कौन सी रो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि फर्स्ट और सेकंड रो को एक्सेस करूं, तो फर्स्ट और सेकंड रो, और मैं चाहता हूं फर्स्ट और सेकंड कॉलम को भी, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम। यहां बीच में मुझे कॉमा का इस्तेमाल करना होगा। ये कॉमा के पहले हमने रो दर्शाई है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड रो। कॉमा के बाद हमने कॉलम दर्शाया है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड रो हमारी ये हो गई और फर्स्ट और सेकेंड कॉलम हमारा ये पूरा और ये पूरा हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरसेक्शन बन रहा है वह बन रहा है 16, 2, 5, 11 का। मतलब पहला दूसरी रो और पहला दूसरा कॉलम का इंटरसेक्शन हमारा जो बन रहा है वो है 16, 2, 5 और 11। इसलिए जैसे ही हम ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं हम उन एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में सब मैट्रिक्स को एक्सेस करने के लिए आपको रो और कॉलम बताना होता है जिसके इंटरसेक्शन से वो सब मैट्रिक्स बना होता है। मैटलैब में हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम को हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स चाहिए होगा, तो हमने एक 4x4 का मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। अब इस मैट्रिक्स के, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ थर्ड रो को एक्सेस करूँ, तो मुझे कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। सबसे पहले कॉमा लिख लीजिए। कॉमा के पहले आपको दर्शाना होगा वो रो जो आप चाहते हैं, हमारे केस में 3। थर्ड रो में हम सभी कॉलम को चाहते हैं इसलिए हम कॉलन लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने थर्ड रो को एक्सेस कर लिया। अगर आप सेकंड रो को एक्सेस करना चाहते हैं तो 3 को रिप्लेस कर दीजिए 2 से। अगर आप सेकंड कॉलम को चाहते हैं एक्सेस करना तो कॉमा के बाद आपको 2 लिखना पड़ेगा और कॉमा के पहले आपको कॉलन लिखना होगा। अगर आप लास्ट कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं तो कॉमा के बाद आपको लिखना होगा
एंड। यह बहुत ही सिंपल तरीका है मैटलैब में रो और कॉलम को एक्सेस करने का। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम मैटलैब में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एडिशन किस प्रकार से किया जाता है वह समझेंगे। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा, तो हम एक ए मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं जिसका पहला रो है 1 2, सेकेंड रो है 3 4। इस प्रकार से हमने ए मैट्रिक्स क्रिएट किया। इसी प्रकार से हम दूसरा मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं जिसकी पहली रो है 4 5 और दूसरी रो है 6 7। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हो चुके हैं 2x2 के। मैट्रिक्स एडिशन करने के लिए आपको प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना होता है, तो हम ए प्लस बी करें इस प्रकार से। तो देखिए 1 + 4 5 आ गया हमारा, 2 + 5 7 आ गया हमारा, 3 + 6 9 आ गया हमारा, 4 + 7 11 आ गया हमारा। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम रिजल्ट देगा। इस प्रकार से देखा आपने मैट्रिक्स एडिशन कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको एस्ट्रिक्स का यूज करना होगा और लिखना होगा ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो हमारा आंसर आया 16 19 36 43। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि ए मल्टीप्लाइड बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए। इसको हम चेक कर लेते हैं। अभी हमने ए मल्टीप्लाइड बाय बी निकाला है, अब हम बी मल्टीप्लाइड बाय ए करते हैं, तो देखिए आपका आंसर दूसरा आया। तो इस प्रकार से हमने मैटलैब में जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन वाली, उसको हमने चेक कर लिया। तो इस प्रकार से मैटलैब में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किया जाता है मैट्रिक्स में। मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स डिवीजन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा, तो हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया 1 2, ये हमारी पहली रो, 3 4 हमारी सेकंड रो। इसी प्रकार हमने एक दूसरा मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया 4 5 6 7। इस प्रकार से हमारे दो मैट्रिक्स हमने क्रिएट किए। अब मैट्रिक्स डिवीजन किस प्रकार से किया जाता है वह समझते हैं। अगर हमें टर्म बाय टर्म डिवाइड करना है, मतलब ए का पहला एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट से डिवाइड करना है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा ए डॉट फॉरवर्ड स्लैश, इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, ए डॉट फॉरवर्ड स्लैश बी। इस प्रकार से हमने किया तो ये हमारा टर्म बाय टर्म डिवाइड करेगा। देखिए 1 / 4.25, 2 / 5.4, 3 / 6.5 एंड 4 / 7.5714। अभी आपने देखा टर्म बाय टर्म डिवीजन। दूसरा एक होता है ए फॉरवर्ड स्लैश बी। देखते हैं ए फॉरवर्ड स्लैश बी क्या आपका निकालता है। ये निकालता है ए मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स ऑफ बी। ये देखिए, तो याद रखिए ए फॉरवर्ड स्लैश बी हमारा कैलकुलेट करता है ए मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स ऑफ बी, और अगर यहाँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ डॉट आ जाएगा तो वह टर्म बाय टर्म डिवीजन कहलाता है। इसके अलावा एक और हम डिवीजन देख सकते हैं जो होता है ए बैक स्लैश बी। ए बैक स्लैश बी आपका लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के काम आता है। आने वाले ट्यूटोरियल में हम इस टॉपिक को काफी डिटेल में देखेंगे। तो आपने देखा मैट्रिक्स डिवीजन मैटलैब में। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम बहुत ही दो इंटरेस्टिंग मैट्रिसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जीरोस मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए जीरो मैट्रिक्स आपको लिखना होता है जीरोस, और ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है कितने ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे
2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ये देखिए, जैसे ही मैंने 0x2 को एग्जीक्यूट कराया तो मेरे 2x2 का एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। इसी प्रकार से अगर मुझे 3x3 का जीरो मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा तो मैं लिखूंगा 0s3। इसी प्रकार से अगर मुझे 4x4 का जीरो मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा तो मैं लिखूंगा 0s4। तो देखा आपने, जीरोस मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वो मैटलैब में उसे किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। जिस प्रकार से हम जीरोस मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं उसी प्रकार से हम वंस मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होता है वंस। वंस के अंदर अगर मैंने 2 लिखा है तो 2x2 का एक वन मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा जिसके सारे एलिमेंट 1 होंगे। इसी प्रकार अगर मुझे 3x3 का वंस मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा तो मैं लिखूंगा 1s3। इस प्रकार से आपने देखा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स 0 या 1 का हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। अगर आपको एक वेक्टर क्रिएट करना होगा तो वो भी बहुत आसानी से क्रिएट हो जाता है। देखिए कैसे, अगर मैं एक वेक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ 0 वेक्टर, मतलब उस वेक्टर के सारे एलिमेंट 0 हैं, और मैं रो वेक्टर चाहता हूँ तो मुझे ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा 1, रो वेक्टर में एक ही रो होती है बाकी सारे कॉलम। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पे 10 कॉलम्स, तो जैसे ही मैं ये एग्जीक्यूट कराऊंगा एक रो क्रिएट हो जाएगी जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे और सभी 0 होंगे। ये देखिए, इसी प्रकार हम एक 1 रो वेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने रो वेक्टर क्रिएट किया, अब हम कॉलम वेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा, फॉर एग्जांपल हम जीरोस कॉलम वेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें 10 रो रहे हैं और 1 कॉलम। इसी प्रकार से आप वंस का कॉलम वेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से तो आज हमने देखा मैटलैब में वंस और जीरो मैट्रिक्स किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं और वंस और जीरो वेक्टर किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम मैटलैब में प्लॉट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्लॉट मतलब जो भी हमारे पास डेटा है उसका आपको ग्राफिकल व्यू देखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है जिसका हम लिख रहे हैं एक्स। डेटा मतलब हमारा वेक्टर। हमने एक वेक्टर क्रिएट कर लिया जिसमें 9 डेटा है। इसी प्रकार से आप दूसरा वेक्टर क्रिएट कर लिया, ये आपके पास पहले से होंगे डेटा। मैं यहाँ रैंडम डेटा लिख ले रहा हूँ। और मैंने एंटर किया। आपको सबसे पहले चेक करना है जो भी आपके पास डेटा है, हमेशा आपको अगर 2D प्लॉट करना है तो आपके पास 2 डेटा होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए और एक वर्टिकल एक्सिस के लिए। यहाँ पे एक्स हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए हमने डेटा लिया है और वाई हमारा वर्टिकल एक्सिस के लिए। तो दोनों का आप साइज चेक करिए, तो यहाँ पे साइज दोनों के बराबर है। अगर आपके में वर्क स्पेस में साइज नहीं आ रहा है तो आप यहाँ राइट क्लिक करिए, यहाँ चूज कॉलम में जाइए और साइज पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे साइज दिखने लगेगा। अगर आपके दोनों वेक्टर का साइज बराबर है तब ही आप मैटलैब में प्लॉट कर सकते हैं उनको। प्लॉट करने के लिए आपको लिखना होता है प्लॉट PLOT, ब्रैकेट के अंदर आपको बताना होता है सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स है। फिर बताना होता है आपको वर्टिकल एक्सिस कौन सी है, तो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस वाई है। जैसे आप प्लॉट एक्स वाई लिख के एंटर प्रेस करते हैं आपके पास एक फिगर आ जाता है जो आपका ग्राफिकल व्यू देता है एक्स और वाई का। अब इस फिगर में ना ही टाइटल है, ना ही इसमें एक्स एक्सिस के बारे में कोई जानकारी लिखी हुई है, ना ही वाई एक्सिस के बारे में कोई जानकारी लिखी हुई है। तो वो जानकारी इसमें ऐड करने के लिए आपको क्या करना होता है देखते हैं। टाइटल ऐड करने के लिए फिगर में आपको लिखना होता है टाइटल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी टाइटल आप देना चाहें।
तो मैं यहाँ टाइटल देना चाहता हूँ माय डेटा। एक्स एक्सिस के बारे में लिखने के लिए आपको लिखना होता है एक्स लेबल, एक्स एल ए बी ई एल, ब्रैकेट के अंदर जो भी आप देना चाहें। फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाहता हूँ मेरे एक्स एक्सिस टाइम है तो मैं यहाँ लिखूंगा टाइम। इसी प्रकार अगर वाई एक्सिस के बारे में आपको जानकारी लिखना है तो आपको लिखना होगा वाई लेबल। अगर मैं यहाँ लिख दूं एम्पलीट्यूड तो मेरा फिगर में वाई लेबल में एम्पलीट्यूड लिख के आएगा। जैसे ही आप ये एग्जीक्यूट करते हैं और अपने फिगर को देखते हैं तो आपके पास एक टाइटल है, एक एक्स एक्सिस के बारे में जानकारी लिखी हुई है और वाई एक्सिस के बारे में भी जानकारी लिखी हुई है। इस प्रकार से आप मैटलैब में कोई दो डेटा को प्लॉट कर सकते हैं। हाय, मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम एम फाइल या स्क्रिप्ट फाइल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हम कमांड विंडो का इस्तेमाल करके कमांड एग्जीक्यूट करके अपना आउटपुट देख रहे थे। कमांड विंडो का लिमिटेशन ये है कि इसमें आपको एक एक कमांड एक बार में एग्जीक्यूट कराना रहता है, लेकिन अगर आपको सारी कमांड एक फाइल में क्रिएट करके उसको रन करा दें तो हम कहेंगे वो हमारी एम फाइल है या वो हमारी स्क्रिप्ट फाइल है। आज हम सीखेंगे मैटलैब में स्क्रिप्ट फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना होगा, स्क्रिप्ट पे क्लिक करना होगा, या तो आप कंट्रोल प्लस एन भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हमने किया यहाँ पे एक अनटाइटल नाम से हमारी एक एडिटर विंडो सामने ओपन हो जाएगी। इसके अंदर वो सारी कमांड लिखिए जो आपको एक साथ एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर लिया x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, दूसरा वेक्टर लिया y इज इक्वल टू 4 5 6 7 8। अब मैं दोनों वेक्टर को प्लॉट कराना चाहता हूँ तो मैंने लिखा प्लॉट x कॉमा y। मैं चाहता हूँ इसका टाइटल रहे This is a graph from script file। आप अपने हिसाब से जो चाहें वह नाम दे सकते हैं टाइटल में। मैं x लेबल दे दे रहा हूँ टाइम, y लेबल दे दे रहा हूँ एम्पलीट्यूड। ये आपने सारी कमांड एक साथ लिख ली। इसमें देखिए आप हर कमांड में एक लाइन असाइन हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रीन कलर का एरो, ये है रन कराने का। जैसे ही हम इस पे प्रेस करेंगे ये सारी कमांड एक साथ एक्सिक्यूट हो जाएगी और आउटपुट आपको शो करेगी। तो जैसे ही आप रन करेंगे तो ये पूछेगा कहाँ शो करना है आपको, तो आप कोई फोल्डर ले लीजिए, आप अपने हिसाब से फोल्डर चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया माय स्क्रिप्ट, एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये पूछेगा कि इसको पाथ में ऐड कर दे, तो आपको ऐड टू पाथ करना होगा। ऐड टू पाथ करने के बाद आप देखिए यहाँ पे हमारा वो ग्राफ निकल के आ चुका है और x लेवल में टाइम है, y लेवल में एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे हमारा टाइटल जो हमने यहाँ पे दिया था। तो मैटलैब में स्क्रिप्ट फाइल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एडिटर जिसके अंदर आप एक साथ सारी कमांड लिख सके और एक बार में उसको आप रन करा सके। इसका एक्सटेंशन .m होता है इसलिए इसको m फाइल कहा जाता है या स्क्रिप्ट फाइल कहा जाता है।